मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। एवरीवन, फर्स्टली आई होप यू आर वॉचिंग दिस फ्रॉम योर होम। अगर आप आपके काम से ये देख रहे हो या अगर आप अभी भी एग्जाम्स लिख रहे हो तो आई एम रियली सॉरी दैट दिस इज़ हैपनिंग टू यू एंड माई प्रेयर्स आर गोइंग टू बी फॉर यू कि जल्दी से जल्दी आपको भी आपके घर पे रहने मिले। हाँ, स्टोरी टाइम तो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे फनी स्टोरी टाइम्स है। आपको स्टोरी टाइम देखना पसंद है, मुझे स्टोरी टाइम बनाना भी बहुत पसंद है। तो एक स्टोरी टाइम ऐसा है मेरे पास कि मैं, मेरे मॉम और मेरे डैड, हम तीनों घर के बाहर लॉक हो गए रात को 3 बजे। हम एक ट्रिप से आए थे वापस और तभी कुछ हुआ था। एंड देन इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, फनी एंड एकदम अजीब सा स्टोरी टाइम है वो। तो एक्चुअली मैं पहले वो बनाने वाली थी बट दिस हैपेंड रिसेंटली। एंड अभी जो भी आसपास चल रहा है, जो स्पीड पे अपना सिचुएशन बदल रहा है ना, आई थॉट कि यही स्टोरी टाइम पहले डालना है। लेट्स बिगिन। तो ये स्टोरी टाइम बेस्ड है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले। सॉरी फॉर लुकिंग लाइक दिस। मैं अभी बाहर कुछ बहुत 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 अर्जेंट काम से गई थी। बेसिकली डैड के लिए कुछ मेडिसिन लेने थे, तो मैं ऐसे ही बाहर जाती हूँ फुल स्लीव, 100% फुल स्लीव कपड़ों में, ताकि अगर मेरा शरीर कुछ भी टच कर रहा है तो इट्स ऑन द क्लोथ्स। एंड मैं आके वापस तुरंत कपड़े चेंज करती हूँ। मास्क, सुपर इम्पॉर्टेंट, सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट मास्क। 3rd or 4th March मुझे चढ़ गया था बुखार। एंड तभी कोरोना वायरस के सारे न्यूज़ फॉरेन कंट्रीज़ में तो थे ही, एंड अपने इधर केरला में सिर्फ न्यूज़ आई थी। और मैं तभी मैंगलोर जाके आई थी, तो आई वॉज़ वेरी वरीड कि क्या है। एंड तभी ना इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कोरोना के ऊपर। आज इतने वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं स्पेशली डॉक्टर्स के, जो हमें सच्चाई बता रहे हैं कि अगर आपको ये स्पेसिफिक टाइप की छींकें आ रही है बुखार के साथ, तो ही आपको शायद कोरोना के सिम्टम्स है, जो बाकी सब है वो नहीं है। बट तभी तो ऐसा इन्फॉर्मेशन था नहीं, तो तभी मेरी तो फट गई कि ओ, अभी साउथ जाके आयू एंड बुखार भी चढ़ रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं डॉक्टर के पास गई, पर मैं मास्क पहन के गई थी क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं था कि मास्क हेल्प करते हैं नहीं कर। अभी भी क्लियर, एक्चुअली अभी भी मुझे नहीं मालूम कि मास्क का क्या सीन है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तब मैं मास्क पहन के गई थी डॉक्टर के पास ऑल्सो बिकॉज मैं बीमार थी तभी, तो मुझे किसी को मेरा बुखार स्प्रेड नहीं करना था। और कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उधर बहुत सारे बीमार लोग आते हैं, तो जब भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है, मतलब आपकी सहन शक्ति कम होती है बॉडी की, तभी आसपास अगर और बीमार लोग होते हैं ना, तो आपको उनकी भी बीमारी लगने का ज़्यादा चांस रहता है क्योंकि ऑलरेडी आपकी सिस्टम वीक है। तो मैं मास्क पहन के गई थी एंड जाते वक्त तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी बिकॉज मैंने मेरा मास्क ऐसे ही पहना था जैसे अभी पहना था, ऐसे गले में था। एंड रिक्शा में बैठने के बाद मैंने इसको चढ़ा लिया मेरे फेस पे, तो तभी भी रिक्शा वाला भी ऐसे ऐसे चढ़ा लिया था। तो जैसे मैंने मास्क चढ़ाया था, फिर रिक्शा वाला भी ऐसे देख रहा था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे अजीब नहीं लग रहा था कि रिक्शा वाला देख रहा है, रिक्शा वाले भैया को अजीब लग रहा था कि कौन बैठा है पीछे, इसको कोरोना तो नहीं है क्या है, मतलब उनके एक्सप्रेशन तो ऐसे लग रहे थे। बट आई एम लाइक ठीक है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे तभी तेज़ बुखार हो रखा था। एंड डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे समझाया कि बहन तुझे कोरोना वायरस नहीं है, मतलब ऑफकोर्स नो वन कैन बी श्योर, बट ही सेड कि इसमें पैनिक मत हो, तुझे तो सर्दी खांसी भी नहीं है यार। एंड हाँ, तो उन्होंने मुझे वायरल का नॉर्मल दवाई दिया एंड मैं निकल गई। तो सिंस आई वॉज सिक, मैंने वापस मास्क पहना क्योंकि रास्ते पे काफ़ी लोग चलते हैं, मुझे किसी को मेरा बीमारी नहीं देना था। एंड बिकॉज आई वोर दैट मास्क, कोई रिक्शा वाला रुका ही नहीं मेरे लिए। थे काफ़ी खाली रिक्शाज थे, बट मुंबई में ऑटो रिक्शा का सिस्टम कैसा रहता है कि आप रिक्शा को ऐसे बुलाओगे एंड वो रुकेंगे एंड आप बताओगे कि आपको कहाँ जाना है, और फिर वो बोलेंगे या तो ऐसे बैठो या तो नहीं, ऐसे रहता है। मेरे लिए कोई रुका ही नहीं, काफ़ी खाली रिक्शा थे, ऐसे देखते थे और चले जाते थे जस्ट बिकॉज आई वॉज वेयरिंग अ मास्क। Hi, this is Heli from the future, which is editing Heli, and I just want to tell you ki it is not about a rickshaw not waiting. मतलब अभी मैं video edit कर रही हूँ तो बहुत छोटा issue लग रहा है कि अरे बस एक रिक्शा नहीं मिला तो क्या पूरा video बना दिया, but it's not about that. Watch forward. क्योंकि मैं बीमार थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे और किसी को बीमार नहीं करना है, एंड उस वजह से मुझे
बुखार में डॉक्टर से मेरे घर तक चल के जाना पड़ा आधा पौना घंटा. एंड आई जस्ट रियलाइज नाउ दैट व्हाई डिड माय ब्रेन नॉट थिंक अबाउट ऊबर्स एंड ओलास, क्योंकि तभी तो चल रहे थे. आई मीन आई थिंक अभी भी चल रहे हैं, बट तभी भी ऊबर एंड ओला थे. अगर मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा था, व्हाई डिड आई नॉट बुक एन ऊबर? बट द थिंग इज कि मेरे को इतना बड़ा शौक लगा था कि मेरे लिए कोई रुक क्यों नहीं रहा है. एंड आई हैड दिस होप कि अब मिल जाएगा, बस दो मिनट और आगे के सिग्नल से मिल जाएगा. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ बुकिंग अ टैक्सी. मैं चलते गए कि हाँ अगले सिग्नल पे. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट बुक अ टैक्सी, बट आई शुड हैव बुक्ड अ टैक्सी. दैट वॉज सच एन ऑप्शन, बट माई ब्रेन डिड नॉट थिंक ऑफ दैट एट दैट टाइम. एंड दिस इज नॉट इवन द हाईलाइट. यू नो व्हाट द हाईलाइट इज? मैं जब चल रही थी ना, तभी एक बाइक पे 3 से 4 लड़के बैठे थे. लड़के मतलब 20 के ऊपर ही लग रहे थे सब. बहुत तो मैं नहीं देख पाई उनको, बट फ्रॉम व्हाट आई सॉ 20 के ऊपर ही लग रहे थे सब. एंड एक लड़के ने बोला, अरे ये देखना कोरोना के वजह से लड़कियां भी कैसे घूम रही है. एंड मैंने तभी फुल स्लीव ब्लैक टी शर्ट और फुल पैंट पहनी थी, फुल. एंड उसमें भी ये कॉमेंट पास किया. एंड देन बाकी के जो 2-3 लड़के थे यार, वो भी चलाने लगे, ए कोरोना कोरोना कोरोना, जस्ट बिकॉज आई चोज टू वेयर अ मास्क एंड नॉट स्प्रेड इट टू समवन एल्स. क्लियरली आई वॉज स्टिल इन शॉक व्हेन आई वॉज मेकिंग द वीडियो, क्योंकि मुझे जो एग्जैक्ट पॉइंट बताना था वो मैं नहीं बता पा रही हूँ इन द वीडियो व्हेन आई शॉट दिस. व्हाट हर्ट मी सो मच वॉज कि जो प्रिकॉशंस हम अभी ले रहे हैं कर्फ्यू के टाइम पे, एंड अभी भी अगर बाहर जाना है तो स्ट्रिक्टली मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, वो मैं 2 हफ्ते पहले से कर रही थी. बट जब मैं कर रही थी ना, मुझे बहुत शेम किया गया था, मुझे ओवर प्रोटेक्टिव, मुझे बहुत ही चीज़ें बोली गई थी. एंड नॉट जस्ट बाय माई इमीडिएट फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट बाहर वाले लोग भी मुझे जज कर रहे थे. मुझे रिक्शा नहीं मिला उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी वॉक करना पसंद करती हूँ, बट क्योंकि मैंने मास्क पहना था प्रिकॉशन लेने के लिए, उस वजह से मुझे रिक्शा नहीं मिला. वो मुझे हर्ट कर गया कि आई वॉज बींग जज्ड फॉर टेकिंग प्रिकॉशंस, कि मुझे छेड़ा गया मास्क पहनने के लिए. वो मुझे बुरा लगा. एंड आई थिंक मेरा तो कम है, आई हैव हर्ड इंसिडेंट्स वेयर पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उनको तो बहुत ही छेड़ते हैं कॉल कोरोना. लाइक अगर छोटे कपड़े पहने तो छेड़ा जाएगा, मास्क पहने तो छेड़ा जाएगा, कब नहीं छेड़ा जाएगा यहाँ पे. मुझे बीच में ऐसा भी लगा कि छोड़ो ना, मैं मास्क उतार देती हूँ, रिक्शा पकड़ लेती हूँ, बट वो गलत लगा यार. जस्ट बिकॉज आई चूज टू टेक केयर ऑफ सेफ्टी, मुझे नहीं बिठाएंगे. मुझे मालूम था कि जैसे मैं मास्क उतार के मेरे बैग में रख दूंगी और थोड़ा और आगे वॉक कर लूंगी, तो जो नए रिक्शा वाले भैया आएंगे मुझे बिठाएंगे. बट वो मेरे को बहुत एथिकली गलत लगा कि मैं मेरा मास्क क्यों उतारूं, आप मुझे बिठाने से क्यों मना कर रहे हो. तो लोगों का क्या परसेप्शन हो गया था मालूम है, कि इसने मास्क पहना मतलब इसको कोरोना है. इट इज उल्टा कि मेरे को कोरोना जिसको होता है वो ऐसे रस्ते पे नहीं घूमता है, उनको क्वारंटीन किया जाता है. क्वारंटीन मतलब एक कमरे में अकेले बंद किया जाता है, उनको रस्ते पे ऐसा खुला नहीं छोड़ा जा सकता. एंड आई वॉज नॉट इवन गोइंग टू मेक दिस स्टोरी टाइम, बिकॉज आफ्टर 2-3 डेज ऑफ बींग कॉल्ड ओवर प्रोटेक्टिव, मैंने सोचा कि हाँ यार, अगर सब लोग कह रहे हैं, अगर मुझे रस्ते पे इसके लिए जज किया जा रहा है, शायद मैं हूँ प्रोटेक्टिव. क्योंकि इवन दो मेडिकल स्टोर्स में सारे मास्क आउट ऑफ स्टॉक थे, नो वन वॉज वेयरिंग इट. अगर सारे मास्क बिक चुके हैं तो गए किधर, कोई पहन क्यों नहीं रहा मास्क. तो बट या दैट वॉज ओनली वन थॉट. बाकी सारे थॉट्स वर सेइंग कि तू हो गई ओवर प्रोटेक्टिव, क्योंकि कोई मास्क नहीं पहन रहा है, तेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली बोल रहे कि तू ओवर प्रोटेक्टिव है, तो तू है. बट नाउ दैट एवरीवन हैज बीन आस्क्ड टू टेक द एग्जैक्ट प्रिकॉशंस जो मैं 2 हफ्ते पहले ले रही थी, तब जाके मुझे गुस्सा आ रहा है कि जब ही लेना चाहिए था तभी किसी ने लिया नहीं. बेसिकली वी वेटेड टिल द सिचुएशन गॉट हॉरिबल. And I think that's how we function. जब तक situation एकदम खराब नहीं हो जाती ना, तब तक हम कोई action नहीं लेते. I started working from home since then. जिस दिन मुझे बुखार आया ना, वो दिन से I had started working from home. And I know कि so many people don't have the privilege of working from home. My own parents did not have the privilege of working from home. So for them, I told them कि mask और sanitizer अभी से use करो. Don't wait for it to get worse. But people around me didn't. No one listened to me then. Even मैंने तो Instagram पे भी post डाली थी, आज जब भी केसेस इतने बड़े हैं ना, तभी people are taking the precautions that I was taking since 2 weeks. And now no one is calling me overprotective. क्योंकि मैंने ये 2 हफ्ते पहले किया था ना, इसलिए लोग मुझे ऐसे अछूत होकर जैसे treat कर रहे थे. Basically कोई भी अछूत होना ही नहीं चाहिए, but yeah, I was an untouchable.
फिर एक हफ्ते बाद होली आई, होली के टाइम पे भी मैंने कितने लोगों को बोला मत खेलो होली, रुक जाओ थोड़ा, बाहर का खाना खाने मत जाओ, मेरी कोई नहीं सुना था अभी, लाइक जेन्युइनली मेरे खुद के फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नोबडी लिसन टू मी एक्सेप्ट कुमार, ही वाज रियली नाइस अबाउट दिस, कुमार इफ यू वाचिंग दिस थैंक्स. कोरोना वायरस के चार स्टेजेस होता है. स्टेज वन होता है कि सिर्फ जो फॉरेन से जो घूम के आए हैं सिर्फ उनको है कोरोना वायरस बिकॉज ऑफ वेयर एवर दे केम फ्रॉम, दैट इज स्टेज वन. स्टेज टू होता है कि जो फॉरेन से घूम के आए हैं वो अपने लोकल लोगों को मिल के उनको ये वायरस ट्रांसमिट हो रहा है. ऑफकोर्स वो लोग जानबूझ के नहीं करते ऐसा, बट बेसिकली वो जो हो जाता है दैट इज स्टेज टू, कि बाहर के लोग अपने लोकल लोगों को वायरस ट्रांसफर कर रहे हैं. एंड स्टेज थ्री इज जब एक पर्टिकुलर एरिया काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है. जैसे महाराष्ट्र ने केरला को आई थिंक 2 दिन में ओवरटेक कर दिया था इन द नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत फटाफट फैला था. आई डोंट नो कि यहाँ पे इतना फटाफट क्यों फैला था, मे बी द लोकल ट्रेन्स, मे बी ऑफिसेस, मे बी मॉल्स, शायद उन सब रीजंस की वजह से ट्रांसफ़र हुआ होगा, बट बहुत फटाफट स्प्रेड हो गया. सो आई थिंक दैट इज़ वाई हम स्टेज थ्री एंटर करने के वर्ज पे, और अगर स्टेज थ्री एंटर हो गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. So we have to stay away from stage 3. And stage 4 is just uncontrollable. मतलब वो एक particular country में epidemic हो जाता है. Epidemic मतलब जो सब जगह है जिसको इलाज करना difficult हो जाता है. Like अपने यहाँ पे इतने facilities नहीं है कि hospital में एक एक कमरों में सबको बंद किया जाए, यार अपनी population ही कितनी ज़्यादा है. तो इसलिए हमें खुद के घर पर रहना ज़रूरी है, because government can't provide so much. बहुत ज़्यादा quantity में है हम सब, तो अपने रूम में रहो ना अपने घर में. अगर अगर 4-5 लोग 1 BHK में रहते हैं तो फिर आप ट्राई करो कि आप सब मास्क पहनो, ताकि अगर कोई भी छींक रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है तो अपने तक रह रहा है. क्योंकि अगर आप दादा दादी के साथ रहते हो तो उनका इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, तो आपके लिए नहीं तो उनके लिए पहनो. बेसिकली ये छोटी सी स्टोरी के 2 मॉरल्स है. स्टोरी बस इतना सा था कि मुझे बहुत ही गालियां दी गई फॉर बीइंग प्रोटेक्टिव, जब एक्चुअल में प्रोटेक्टिव होना चाहिए था. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शेयर इन द स्टोरी, कि हाउ माय क्लोजेस्ट पीपल एंड हाउ अननोन पीपल एंड स्ट्रेंजर्स, बोथ दीज पार्टीज शेम्ड मी फॉर टेकिंग प्रिकॉशंस. दैट्स द स्टोरी. सो द 2 मॉरल्स आर, नंबर 1, कभी भी फ्यूचर में किसी को भी ऐसे गालियां मत देना फॉर बीइंग प्रोटेक्टिव. In fact, see how you can learn from them, but don't discourage them to take care of themselves, because personally it affected my mental health a lot. I genuinely started thinking ki main zyada natak aur nakri kar rahi hu. So don't ever tell anyone that they are being overprotective in situations like these. And moral number 2, which is so important, ki please don't wait for things to get this bad for taking precautions. I remember the faces of every single person who told me, अरे अभी तक इतना serious नहीं हुआ है. Literally this same sentence was said by everyone, अभी तक इतना serious नहीं हुआ है. मतलब they were aware कि है ये कुछ, और serious हुआ तो हम देखेंगे. And because of that today we are where we are. Today the economy is crashing. बहुत लोगों को personal losses हो रहे हैं पैसे के मामले में, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, because we waited for it to get serious. क्योंकि हम अभी serious हुआ उसकी राह देख रहे थे. सो दैट्स ऑल दैट आई वॉन्ट टू शेयर द स्टोरी टाइम फॉर. आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन सम वे, एंड प्लीज रिफर टू ओनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर जेन्युइन न्यूज. दैट्स वेयर आई एम गेटिंग माई न्यूज फ्रॉम. बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर द फ्यू प्रिकॉशंस दैट आई एम टेकिंग. एवरी टाइम यू गो आउट, इफ यू हैव टू गो आउट, वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स, कीप एक्स्ट्रा बेड शीट्स ऑन योर बेड सो दैट यू कैन वॉश देम एवरी सिंगल डे. बेसिकली जस्ट चेंज फैब्रिक्स अगेन एंड अगेन. बाथरूम के नैपकिन रोज चेंज करो, बिकॉज द वायरस स्टेज ऑन क्लोथ्स फॉर अ लॉट ऑफ टाइम. सो मेक श्योर यू वॉश दैट. वॉश योर हैंड्स अ लॉट. अगर आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं, यूज एनी मॉइस्चराइजर दैट यू हैव एट होम, बट डोंट अवॉइड वॉशिंग योर हैंड्स बिकॉज दे गेटिंग dry. And don't eat from outside. Eat as much as you can from home. And please don't order online right now. क्योंकि अगर हम हमारे घर पे बैठ के आराम से order करें, that means there is someone at the factory who is packaging the parcels by themselves, and there is someone who is going to come to deliver it.
सो प्लीज डोंट ऑर्डर ऑनलाइन राइट नाउ. बस आपके घर में जितना सामान है उससे रहने का ट्राई कीजिए, और आपके आसपास जो लोकल मेडिकल और जनरल स्टोर है वहां से खुद जाके लेकर आइए, किसी और इंसान को तकलीफ मत दीजिएगा. आई होप यू स्टे सेफ एंड वी विल ओवरकम दिस टुगेदर. वी विल. जब तक मेरे पास इंटरनेट है मैं और वीडियोज बनाते रहूंगी ताकि हम सब एंटरटेन रह सके, हम सब इस टाइम को अच्छे से पास करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल दी एंड. प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो विथ अ पर्पल हार्ट इफ यू वॉच दिस टिल हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, गुड बाय.